हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक फॉर्मल फिटिंग सेट की कटिंग। जी हाँ दोस्तों, एक फॉर्मल फिटिंग सेट की कटिंग कैसे करते हैं, तो आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि हमारे पास 2 मीटर कपड़े हैं और इसी में आपको एक फॉर्मल सेट की कटिंग बताने वाले हैं। तो जैसा कि इसका साइज जो है हम आपको बता देते हैं, इसकी जो लेंथ है वो 26 इंची है और इसका जो चेस्ट है वो 32 इंच है और इसका शोल्डर जो है वो 17 इंच है और आस्तीन की लंबाई जो है वो 22 इंच है और इसका कॉलर जो है वो 14 इंच है। तो इसी साइज से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से घड़ी कर लेना है। तो अगर कपड़े में उल्टे सीधे हैं तो उल्टे को अपनी ऊपर की साइड रखें और जो सीधा सीधा है उसे अंदर की साइड रखा जाता है। तो इस तरह से आप घड़ी कर लीजिए। ये दोनों पल्ले आप देख सकते हैं कि इसको हमने अपनी साइड में रखा हुआ है। तो अच्छे से घड़ी कर लीजिए। अगर ज़्यादा सिकुड़न है कपड़े में तो आप उसको इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं ताकि ये प्लेन हो जाए। तो अगर आपको इसमें स्टाइल पट्टी बनाना है शर्ट में, तो थोड़ा सा ये फ्रंट जो है अपनी साइड में ऊपर वाला पल्ला थोड़ा आधा इंच ज़्यादा रखें तो बेटर रहेगा। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर से यहाँ एक लाइन खींचते हैं। यहाँ आपको एक लाइन खींच लेना है सीधा सीधा और यहाँ से आपको 2.5 इंच रखना है। अगर स्टाइल पट्टी बनाना है तो आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ से आधे 2.5 इंच हम निशान लगा लेते हैं और जो नीचे वाला पल्ला है हमने उसको 0.5 इंच कम किया हुआ 2 इंच है। तो क्योंकि ये जो पहला हम मार्जिन करते हैं ये फ्रंट यानी लेफ्ट साइड में आता है जिसमें हम पॉकेट लगाते हैं और इसी में स्टाइल पट्टी बनाया जाता है यानी बाय साइड में। तो इसको हम इस तरह से पहले निशान लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। लंबाई जैसा कि 26 इंच है तो हम यहाँ 27 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंची हमको एक्स्ट्रा रखना है। शोल्डर 17 है तो उसका हाफ होगा 8.5 इंची, तो हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगाएंगे और इसका चेस्ट जो है वो 32 इंच है, उसका चौथा भाग आएगा 8 इंच, इसमें हम 0.5 इंची माइनस करेंगे, 7.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम चौथा भाग रखेंगे सीने का 8 इंची। और लूजिंग आपको भी यहाँ अगर ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो आप 1.5 इंची लूजिंग दे सकते हैं। मीडियम में चाहिए 2 इंची, अगर उससे ज़्यादा लूजिंग देना है तो आपको 2.25 ही रख सकते हैं। फिलहाल इसको फिटिंग सेट है इसलिए हम यहाँ 1.25 इंची इसमें हम लूजिंग देते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको 1.25 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो हमने इस तरह से निशान लगा लिए। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से भी सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से भी सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ आपको देखना है जो हमने ये शोल्डर का निशान लगाया है इसको हमने 9 इंच पर लगाया है। तो यहाँ से हम देखते हैं 9 इंची कहाँ पर है, तो हमने 0.5 इंच इसमें माइनस कर लेना है। तो यहाँ से हमको थोड़ा सा स्केल को क्रॉस रखना है इस तरह से और हमको यहाँ 1 इंची का गैप देना है इस तरह से। तो यहाँ से हमने इसको सेव करना है आर्म होल के लिए आपको इस तरह से, ताकि ज़्यादा ये राउंड ना हो जाए, नहीं तो क्या होता है कि अस्तन यहाँ बैठता नहीं है। अब यहाँ हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंची और गला हम रखेंगे इसको 2.25 इंची, यहाँ भी 2.25 इंची हम रख देते हैं और इसको शोल्डर से हम इसको यहाँ से डाउन कर देते हैं और इस तरह से हम इसको गले का सेप कर देते हैं, इसको थोड़ा सा गुलाई कर देते हैं। और अब यहाँ थोड़ा सा क्या करना है, हमको राउंड वाले स्केल से थोड़ा सा कमर में जो है कमर को सेप दे देना है इस तरह से, ताकि यह शेप हो जाए। अब यहाँ एप्पल करने के लिए हमको क्या करना है, हमको 2 इंच रखना है यहाँ। अगर ज़्यादा एप्पल आपको करना है तो 2.5 इंच आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको निशान लगा देते हैं इस तरह से, इस तरह से आप यहाँ से निशान लगा सकते हैं। तो हमने मार्जिन कर लिया है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको कटिंग कर लिया है। यहाँ हम जो फोल्ड होगा पट्टी उसको हम कट लगा देते हैं निशान, और यहाँ भी। तो इस तरह से आप फ्रंट की कटिंग करें। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बैक का कपड़ा फोल्डिंग करेंगे। इसको अच्छे से आप बैठा लीजिए। अब आपको देखना है कि फ्रंट का जो हमने कटिंग किया है उतना कपड़ा हमको इसको फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि नहीं तो कपड़े बेस्टेड चले जाएंगे। अब इसको हमने सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे फ्रंट को इस तरह से, और इसमें हम बड़ा शोल्डर लगाएंगे। तो हम यहाँ रखेंगे 2.5 इंची पर हम निशान लगाएंगे फ्रंट में, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ 2.5 इंची तक हम ऊपर ले जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से 1/2 इंची जो है, 1/2 इंच जो है फ्रंट को अपनी साइड में बढ़ा कर रखेंगे बैक से इस तरह से। अब यहाँ हम शोल्डर देख लेते हैं। शोल्डर जैसा कि 17 इंच है, तो इसको हमको 9 इंच पर निशान लगाना है, 1/2 इंच सिलाई के लिए। और यहाँ से हमको एक सीधा निशान लगा लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा, और यहाँ से हम हल्का सा सेव कर देते हैं बैक के आर्म होल का। और इस तरह से अब हमको कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बैक की कटिंग कर लिया है। अब बैक हमने रखा है 1/2 इंच, यहाँ 1/2 इंची हमने थोड़ा सा फ्रंट को ज़्यादा रखा हुआ है, इसलिए इससे क्या होता है कि फ्रंट सामने सही रहता है, बैक साइड कभी बड़ा नहीं दिखता है। तो इस तरह से आपको काटना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अस्तरी की कटिंग करेंगे। इसको कपड़े को हम इस साइड में पलटी कर लेते हैं, और यहाँ से इसको हम इस तरह घड़ी करेंगे। अब इसको हम इस तरह से क्रॉस रखेंगे, हमको क्रॉस रखना है इस तरह से। अब आपको आर्म अस्तरी जो इसकी चौड़ाई ऊपर कितना रखना है, जैसा कि 8 चौक 32 है, तो 7.5 इंची रखना है आपको। और यहाँ से आपको एक लाइन खींच लेना है सीधा सीधा। इसमें आप चाहें तो 1/2 इंच का गैप कर सकते हैं सिलाई के लिए। अब यहाँ से अस्तरी की लंबाई हमको लेना है। अस्तरी की लंबाई 12 इंच है, वो सॉरी 22 इंच है। तो इसमें हम माइनस करेंगे 2 इंच कफ के लिए, तो हम 20.5 पर इसको निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसको हम 5 इंची पर निशान लगाएंगे। और यहाँ हम डाउन करेंगे 2.5 इंच। तो हम यहाँ जो ऊपर वाली लाइन है, यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं इस तरह से। अब राउंड वाला स्केल लेना है हमको, यहाँ से मिला लेना है हमको इस जो हमने मार्जिन किया हुआ है, ताकि ये फिटिंग अस्तिन कटिंग हो जाए। अब हमने इस तरह से ऐसा राउंड कर लिया है, और ये यहाँ से हमने इसको निशान लगा लिया। तो यहाँ से भी इसको कटिंग कर लेना है। अब ये जो फ्रंट है, ये ऊपर वाला ये साइड फ्रंट में आएगा, तो फ्रंट को हम इसको थोड़ा सा यहाँ से डाउन कर देते हैं। और ये जो हमने इतना कटिंग करके निकाला, इसलिए निकाला जाता है ये, ताकि ये सामने रिंकल ना आए, इसलिए इसको कटिंग किया जाता है। तो आप यहाँ फिर से देख के मिला लीजिए, जो राउंड अगर शेप नहीं सही है तो उसको सेव कर लीजिए अच्छे से। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम जो चाक करता है बैक साइड में, तो हम यहाँ से इसको रखेंगे 4 इंच पर, और यहाँ से हम इसको निशान लगाएंगे 5 इंच पर, और यहाँ भी 4.5, यहाँ भी 4 इंची पर। तो इस तरह से हम चाक की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने चाक की कटिंग कर लिया। तो अब हमको क्या करना है, हमको शोल्डर की कटिंग कर लेना है, यानी तीरा कटिंग करना है। तो तीरा आपको जैसा कि
डबल तीरा भी कटिंग को होता है, सिंगल तीरा भी। तो जो हमने शर्ट कटिंग किया वो सिंगल तीरे वाला शर्ट था। तो यहाँ से आप देख लेंगे शोल्डर, शोल्डर को हमको 9 इंची रखना है, तो हम यहाँ 9 इंच का निशान लगा लेते हैं। हाफ इंच लगेगा क्योंकि शोल्डर 17 इंची है। अब इसको जो किनारी है इसको हम छोड़कर मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से आप 6.5 इंच का निशान लगा सकते हैं और यहाँ भी। तो इस तरह से आप इसको निशान लगा लीजिए और यहाँ से इसको निशान लगा लीजिए थोड़ा सा क्रॉस करके। यहाँ थोड़ा सा 1.5 इंच ज़्यादा रखें आप। अब यहाँ बैक के गला के लिए हम 1.5 इंची निशान लगाएंगे और यहाँ 2.25 इंची हम लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ भी 1.5 इंची हम लगाएंगे निशान, और इस तरह से यहाँ से हम निशान लगा लेंगे और यहाँ हम हल्का सा सेव कर देते हैं। तो इस तरह से आप सेव करिए ताकि आपका गला जो है वो सामने शर्ट उटंग ना हो। यहाँ हल्का सा आपको राउंड करना है, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना है। तो इस तरह से आप इसको कटिंग करें। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से शोल्डर की तीरे की कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से आप तीरा कटिंग करेंगे तो आपका शर्ट कभी उटंग नहीं होगा और अच्छे से बैठता है। तो ये थी एक फॉर्मल फिटिंग शर्ट की कटिंग, हमने आपको बताया बहुत आसान तरीका है काटने का। अगर आप घर पे सिलाई करते हैं तो बड़ी आसानी से आप शर्ट अपने घर पर ही बना सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई कॉमेंट है तो आप हमें करेंगे तो उसकी रिप्लाई हम जरूर करेंगे। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड होती हैं और आपको सिलाई सीखना है तो हमारे चैनल को विजिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते मिलते फिर अगले वीडियो में एक नई कटिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।